पहला चरण 5 जिला 30 सीट, बंगाल में वोटिंग जारी। कौन करेगा खेला, किसका बिगड़ेगा समीकरण? क्या अब की बार बीजेपी इतिहास बदलने को तैयार है? पहले चरण के वोटिंग का हर एक्शन होगा आपके सामने। बंगाल चुनाव से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 बैटल ऑफ बंगाल। पश्चिम बंगाल में पहले चरण की 5 जिलों के 30 सीटों के लिए वोटिंग जारी है। पहले चरण में पुरुलिया की 9 सीट, बांकुड़ा की 4 सीट, झारग्राम की 4 सीट, पश्चिम मेदिनीपुर की 6 सीट और पूर्वी मेदिनीपुर की 7 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इस चरण की अधिकतम सीटें जंगल महल में हैं। इस चरण में 191 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा और वोटिंग शाम 6:30 बजे तक होगी। बंगाल में पहले चरण में जिन 30 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है, उन सीटों पर 2016 चुनाव में टीएमसी ने लगभग क्लीन स्वीप कर दिया था, जबकि बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था। 30 में से 27 सीटें टीएमसी को मिली थी। 2 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया था। 1 सीट पर रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट की जीत हुई थी। वाम दलों के हिस्से में 1 भी सीट नहीं आई थी, लेकिन इस बार बीजेपी को इतिहास बदलने की उम्मीद है। पहले चरण में कई दिग्गज मैदान में उतरे हैं। बीजेपी से सुदीप कुमार मुखर्जी, तपन भुइयां, शांतनु प्रामाणिक मैदान में हैं, तो टीएमसी से सुजॉय बनर्जी, दिनेन रॉय, कांग्रेस से पार्थ प्रतिम बनर्जी, नेपाल महतो ताल ठोक रहे हैं। वहीं सीपीआईएम के सैयद सद्दाम अली और सीपीआई के तरुण कुमार घोष की किस्मत आज मतपेटी में बंद हो जाएगी। कड़ी सुरक्षा के बीच पश्चिम बंगाल में वोटिंग जारी है। शांतिपूर्ण मतदान के लिए चुनाव आयोग ने केंद्रीय बलों की करीब 684 कंपनियां तैनात की है, साथ ही 3 गुना क्विक रिस्पॉन्स टीम भी मौजूद है। वहीं मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में बंगाल पुलिस के जवान नहीं है। बंगाल चुनाव में बीजेपी और टीएमसी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने टीएमसी पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। उन्होंने बलरामपुर से टीएमसी उम्मीदवार और सीटिंग एमएलए शांतिराम महतो को लोगों को पैसे बांटते हुए वीडियो शेयर किया। बंगाल की रणनीति लॉकेट चटर्जी लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। चुनचुरा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट चटर्जी ने पूरा जोर लगा दिया है। कल लॉकेट चटर्जी ने बैलगाड़ी में सवार होकर चुनाव प्रचार किया। चुनचुरा में लॉकेट की टक्कर टीएमसी के असित मजूमदार से है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में एआईएमआईएम कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसका खुलासा ओवैसी आज करेंगे। बंगाल में ओवैसी का फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के इंडियन सेकुलर फ्रंट के साथ गठबंधन नहीं हो पाया है। इसके अलावा ओवैसी आज मुर्शिदाबाद के सागर दिघी में एक रैली को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान से कुछ घंटे पहले शुक्रवार रात पुरुलिया जिले के बंदवान में चुनाव ड्यूटी के लिए किराए पर लिए गए एक वाहन को आग लगा दी गई। बताया जा रहा है कि पोलिंग वर्कर्स को खाना पहुंचाकर कार वापस लौट रही थी। घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। पुलिस ने ड्राइवर से पूछताछ की है। मतदान से एक दिन पहले बंगाल के बांकुड़ा में टीएमसी के दफ्तर में बम धमाका होने से सनसनी फैल गई। धमाके में पार्टी के 3 कार्यकर्ता घायल हुए हैं। टीएमसी ने कांग्रेस लेफ्ट और आईएसएफ गठबंधन पर उनके दफ्तर को निशाना बनाने का आरोप लगाया, जबकि बीजेपी का कहना है कि दफ्तर के अंदर बम बनाते समय घटना हुई। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।